अब 6 महीने से पाँच नलका बिगड़ा है। बाहर जाते हैं, हमारे दोस्त को लग गया था एक बार गाड़ी जाते जाते। बाहर कहाँ जाते हो? स्कूल में, सड़क पर। तो सड़क उस पार करते हुए तो क्या डर होती है? लड़ने बोलने की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। किसका एक्सीडेंट हो गया था? हमारे दोस्त सलमान। अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में साफ व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य है, परंतु उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भित्री डी में 6 माह से हैंडपंप खराब होने के कारण मानसी सहित 120 बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपंप क्या है? 6 महीने से बिगड़ा लेकिन अभी तक बना नहीं। तो पानी कहाँ पीते हो? दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, सड़क पार करके। तो क्या दिक्कत होती है पानी पीते हो? जैसे रास्ते में गाड़ी आती होगी, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपके स्कूल में कोई कार्यवाही हुई बनने के लिए, किसी से बताया गया? नहीं। तो क्या हुआ, अभी तक बना कि नहीं? नहीं। आप क्या चाहते हो? हम लोग का हैंडपंप बन जाए, हम लोग को दूसरे स्कूल में जाना पड़े। बच्चे ये है, विद्यालय में हैंडपाइप प्राथमिक का खराब है और बीच में रास्ता है और कंपोजिशन वाले बच्चे इधर आते हैं उधर जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हैंडपंप हमारा बन जाए जल्दी से जल्दी, तो हम लोग जो है थोड़ा भी नजर हो जाएंगे और बच्चे भी खतरे से दूर रहेंगे। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं पंप बन जाए, यहाँ पानी आने लगे, जाना पड़े उस पार सड़क पे। और कितने दिन से हैंडपंप खराब है? लगभग 6 महीने से। तो आप इसकी सूचना दिए हैं? हाँ, सूचना प्रधान को दिया गया है, यहाँ ग्राम विकास अधिकारी को दिया गया है, विभाग में भी दे दिया गया है। अकबरपुर ब्लॉक में भित्रीडीह गांव है जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ का हैंडपंप खराब है 6 महीने से और अभी तक बना नहीं है। इसको लेकर मेरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको अभी तक सूचना नहीं थी और जैसे ही सूचना मिली अब मैं इसको देखता हूँ, पता करवाता हूँ ताकि हैंडपंप जल्द से जल्द बन जाए, बच्चों का समस्या का समाधान हो पाए। गायत्री, उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।